जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का मनीष अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो सभी लोग एक बार जुड़ेंगे और देखेंगे आज आपके लिए। कल काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दीजिए, तो उसी में आज देखेंगे अलजेब्रा में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद यदि आपको इसके अलावा और कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लाइव कमेंट नहीं करेंगे, लास्ट में क्लास ख़त्म होने के बाद आप नीचे कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा आगे चैप्टर पढ़ना है। आज तो आपको हम बीजगणित यानी अलजेब्रा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे जिन लोगों को मैथ्स के नोट्स लेने हैं वो 94 11 96 91 20 जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर संपर्क करेंगे, ठीक है। और अच्छे मैथ्स के नोट हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं मैथ के, जिन लोगों की मैथ वीक है काफ़ी अच्छी हो जाएगी हद तक, ठीक है। और देखेंगे जो PDF लेनी है वो मनीष अकेडमी ऐप, ठीक है, मनीष अकेडमी ऐप पर आपको PDF मिलेगी, ठीक है, एंड नोट्स की PDF मनीष अकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों को नोट्स लेने हैं मैथ के वो 94 11 96 91 20 इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, अपना एड्रेस भेज देंगे या इस पर संपर्क कर लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा की, तो इसमें क्या क्या होता है अलजेब्रा में, आपने देखा होगा अलजेब्रा की यदि हम बात करें अलजेब्रा में आपने देखा होगा, ठीक है, अलजेब्रा में आपने देखा होगा कि सजातीय अभिजातीय पदों का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे सजातीय पद हैं, सजातीय पद मतलब वो पद हो जाते हैं जो एक ही राशि का उपयोग हो, जैसे 4x² + 6x + x, मतलब सभी में x रहे, जब सभी में एक ही चर रहे। अब हम बात करें इसमें चर और अचर की सबसे ज़्यादा बात होती है, ठीक है, इसको भी आगे पढ़ेंगे, आपके समझने के लिए बोल दिया था आपको जो सजातीय पद की बात हुई। इसमें सबसे पहले हम बात करें बीजगणित का उपयोग चर और अचर के रूप में होता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, ठीक है। चर की बात करते हैं, इसमें चर की बात होती है, चर क्या होता है, चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, मतलब आप चाहें तो बदल सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है। चर वे राशियाँ होती हैं, वे राशि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति या स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, क्या कहलाता है, बदलता रहता है चर कहलाता है, ठीक है, समझ लेंगे। चर क्या होता है, वे राशियाँ होती हैं जिनका मान स्थिति के अनुसार, आपने देखा होगा कि एक्स है, वाई है और जेड है, ये चर है, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, चर कहते हैं, एक्स वाई जेड। कभी कभी आप देखेंगे अपने मन से कहीं कहीं किसी सवाल में आपको x = 2 मानना पड़ता है, ठीक है, आपकी मर्जी जैसा सवाल कह रहा है, तो कोई निर्धारित तो है नहीं कि x = 2 ही होता है, ठीक है, निर्धारित तो है नहीं, कभी कभी आप x = 3 मानते हैं, तो ये तो निर्धारित नहीं है कि x = 2 ही होता है। तो ऐसी राशियाँ चर राशियाँ कौन सी राशियाँ, वे राशियाँ जिनका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, कभी बराबर आपका y = 1 होता है तो कभी y = 4 होता है, कोई निर्धारित तो है नहीं, ठीक है, निर्धारित तो है नहीं, ध्यान से देखेंगे, निर्धारित तो है नहीं, कभी y = 1 है तो कभी y = 4 है, x = कभी 1 मान लेते, कभी 2, कभी 4, कुछ भी मानते हैं, मतलब इनका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, x, y, z, a, b, c, d जो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं, ठीक है, तो ऐसी राशियों को क्या बोल देते हैं, चर राशियां बोल देते हैं, जिनका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यदि हम बात करेंगे इसी में अचर राशियों की, ठीक है, अचर राशि की बात करें तो ठीक उल्टा हो जाता है, अचर राशि वे राशि जिनका मान स्थिति के अनुसार बदलते नहीं है, ठीक है, चाहे कौन सी भी स्थिति आ जाए उनका मान नहीं बदलता है, वे राशि जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, या कह सकते हैं स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, कभी भी नहीं परिवर्तित होता है, कभी भी नहीं परिवर्तित होता है, वे राशियाँ
तो आपको पता है, क्या पता है कि एक जो है गिनती में एक है, आपका दो है, कभी दो को तीन लिख सकते हैं, दो हैं एक प्लस एक है तो वो दो होता, मतलब ये वेरिएबल अनवेरिएबल है, ठीक है। ये चर एक है तो एक होता ही है, तीन है तो तीन वो होता है, तीन का कभी तीन को कभी आप चार बोल सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं कि तीन बराबर चार, मतलब तीन ये चार भी हो सकता है, तीन तो तीन है, इनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, ठीक है। कभी मान कभी भी जिनका वे राशियाँ जिनका मान कभी भी नहीं बदलता है, या कह सकते हैं स्थिति के अनुसार कभी नहीं बदलता, बात एक ही है, इसमें शॉर्ट में लिख दिया कि कभी भी नहीं परिवर्तित होता है। एक है, दो है, चार है, जो गिनती टेबल आती है तो उसमें का मान कभी बदलता है, तो वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता है वे अचर कहलाती, मतलब अचर अचल होता है जिसमें आ लग जाता है, मतलब स्थिर रहती है लगभग, ठीक है। तो एक है, दो है, तीन है, चार, मतलब इनका कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान स्थिति के अनुसार बदल जाता है, बदलता रहता है, चर कहलाती है, ठीक। एक्स वाई जेड, जैसे वाई वाला कभी एक मान लेते हैं, वाई वाला तीन, वाई वाला चार, उसमें आपको डिसाइड नहीं करना रहता है। तो चर अचर तो आप समझ गए कि चर अचर क्या होता है इसमें, ठीक है। तो चर अचर में आप देख लेंगे, इसमें कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करेगा और ध्यान से पढ़ेंगे। तो वे राशियाँ जिनका इनमें आपने समझ लिया, नोट करेंगे तो कर लेंगे, दो तीन सेकंड में, नहीं तो समझ लेंगे, नोट करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। वे राशियाँ जिनका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, चर कहलाता है, और वे राशियाँ जिनका मान नहीं बदलता है, अचर राशियाँ कहलाती हैं। आगे देखेंगे, इसमें और कुछ नहीं होता, वेरिएबल से रिलेटेड है सभी। अब हम बात करेंगे सजाती और विजाती, इसमें यूज होता है अलजेब्रा में, ठीक है, समझ लेंगे सजाती और विजाती पद। लाइक्स बोलते हैं, ठीक, सजाती यानी लाइक्स, ठीक है। सजाती की बात करें यदि हम, तो सजाती में देखेंगे, यदि हम सजाती की बात करें, सजाती में का जब एक ऐसी राशि आपको मिले, ठीक है, जब आपको एक ही राशि मिले, मतलब एक ही तरह की राशि कई बार रिपीट हो, यदि किसी, यदि ये समझ, पहले उदाहरण से समझ लिए फिर लिख लेंगे आप। जैसे आपको कोई इक्वेशन यानी समीकरण मिला, लिखा जी में 4x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 7x, तो इसमें आप देखेंगे इसमें 1x, यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी इसमें x यूज हुआ, इसमें भी x का यूज हुआ, तो जब एक ही चर का कई बार, मतलब किसी एक ही समीकरण में चर का, मतलब एक ही चर का पूरे समीकरण में उपयोग हो, कोई भी समीकरण लिखा है उसमें एक ही चर का उपयोग हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, सजाती, लाइक्स, मतलब एक ही तरह के, जैसे एक्स एक्स है सभी में, जैसे वाई है, या ए है दूसरे में भी ए है, 7 7a² प्लस 7a प्लस 6a, तो ए इसमें भी ए चर है, इसमें ए चर है, तो ए चर है, तो इसमें कह सकते हैं ये सभी, मतलब ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सजाती, मतलब सजाती तो रहेंगे, जात तो, मतलब एक्स तो है लेकिन वहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, वहाँ पर घातों के अनुसार फिर क्रम बदल जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर कह दिया तो इसमें घात के अनुसार बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स है तो इनके घातों के अनुसार, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल, इसमें एक्स चर है, चर इसमें है, तो सजात, लेकिन सम घाती नहीं है, समान घात नहीं होती, ठीक है। तो वेरिएबल तो समान होते हैं, लेकिन घाती वाला यदि बात कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो इसमें समान घात नहीं हो पाती, ठीक है, लेकिन चर तो समान होते हैं, ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, ए है, तो सजाती तो हो सकता है, लेकिन समघाती नहीं हो सकता, ठीक है, समझ लेंगे। सजाती में इसमें क्या क्या होता है, कह सकते हैं एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर का उपयोग हो, जिसमें केवल, आपको बता दूं, जिसमें केवल एक चर हो, ठीक है, केवल एक चर हो। सजाती एक ऐसा व्यंजक है जिसमें केवल एक ही चर का उपयोग हो, तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं ऐसे को, हम सजाती कहते हैं। जैसे आपको अभी एग्जांपल बता तो चुके हैं, जैसे लिखा हो 5x² प्लस 6x प्लस
कुछ भी एक्स दे दे, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे व्यंजक को क्या कह सकते हैं कि सजात है। इसमें देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी है, तो इसमें समान चर यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स, मतलब सभी में एक्स का यूज हुआ है, तो ऐसे को क्या कह देते हैं, सजाती कह देते हैं, सजाती, ठीक है, सजाती व्यंजक कहलाता है या सजाती होता है, ठीक है। और देख लेंगे, ठीक है, समझ लिया आपने। और इसमें समीकरण लिखा हो तो समीकरण तभी प्राप्त होता है, ठीक है, जब कोई आपका चर लिखा है, समीकरण कब प्राप्त होता है, समीकरण की बात करें, समीकरण जब आपका चर होना चाहिए, ठीक है, चर हो और बराबर का साइन हो, ठीक है, चर और समता का, प्लस चर हो और बराबर में समता के निशान, इसको क्या समान, मतलब जो समानता दर्शाता है, समता का साइन होना चाहिए, ठीक है, तब आपका समीकरण बनता है, चर चर हो और समता हो, ठीक है। यदि इसमें आप कुछ नहीं, यहाँ पर सेवन लिख के, कुछ नहीं, सेवन लिख के अगर जीरो कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, देखेंगे इसमें आपको, देखो चर का यूज हुआ है और बराबर में समता है, मतलब समता जीरो हुई हो, यहाँ पर चार भी हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, जब समता का साइन लग जाए यानी बीच में बराबर का साइन लग जाए तब आपको समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है, तब आपको क्या प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है। तो ऐसे भी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन तब भी है तो एक सजातीय व्यंजक, ठीक है, सजातीय तो है, इन समान जात के हैं, सजातीय व्यंजक हैं, व्यंजक भी लिख दो, बात वही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, व्यंजक का मतलब क्या, यूज हुए हैं एक्स टर्म यूज हुए तो व्यंजक बोल सकते हैं, पूरा लिख गया, ठीक है। तो समीकरण कब आपको प्राप्त होता, चर दिया जाए और बराबर का ये साइन दिया जाए, ठीक है, समता का साइन दिया जाए तो तब आपको मतलब एक समीकरण प्राप्त होता है। समीकरण प्राप्त करने के, जब समीकरण उसी को बोल सकते हैं जिसमें बराबर का साइन दिया गया हो, ठीक है, जिसमें बराबर का साइन दिया गया हो और चर पद दिए गए हैं तभी आपको उसको, आप उसको समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है, आप समझ लिया होगा। इसी में यदि बात करें व्यंजक नोट करें कर लेंगे, चर बराबर समता का साइन जो होता है उसी को हम कहते हैं। देखेंगे आगे तुरंत बात करेंगे, विजातीय है, विजातीय व्यंजक है तो उसके लिए क्या करेंगे, विजातीय के लिए तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, उसमें विजातीय के लिए जिसमें समान ना हो, ठीक है, विजातीय में क्या होता है, जिसमें समान ना हो, ऐसा बहुपद व्यंजक कह सकते हैं, ऐसा बहुपदी व्यंजक जिसमें, ऐसा बहुपदी व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर, ठीक है, एक से अधिक मतलब चर समान ना हो, भिन्न भिन्न चरों का उपयोग हुआ हो, ऐसा बहुपदी व्यंजक जिसमें भिन्न भिन्न चर का उपयोग हुआ, जिसमें भिन्न भिन्न अलग अलग हो, ठीक है, भिन्न भिन्न चरों का उपयोग हुआ हो, का प्रयोग हो, तो कह सकते हैं आप उसको क्या कह सकते हैं, विजातीय व्यंजक कह सकते हैं, ठीक है, विजातीय व्यंजक, ठीक है। जैसे आपको लिख दे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई प्लस सेवन बराबर जीरो, ऐसे कह दिया, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर तो x का यूज हुआ है, यहाँ पर y का यूज हुआ है, तो कह सकते हैं एक ऐसा व्यंजक है, एक विजाती है, बहुपदी तो है पद, मतलब एक से अधिक पद है, इसमें देखेंगे एक पद तो ये हो जाता है, इसको तो आप बोल सकते हैं एक पदी, जब इसमें फोर एक्स प्लस वाई जोड़ दे, दो चीज़ें जोड़ दें तब ये द्विपदी हो जाएगा, ठीक है, लिख दे इसको बोल सकते हैं एक पदी, ठीक है, इसको द्विपदी बोल सकते हैं,
ठीक है, जब ज्यादा इसमें यूज हो जाए, ठीक है, तो त्रिपदी हो जाता है जिसमें तीन पद दिए गए हों, ठीक है। ये तो बात आप जानते हैं, जैसे 4x एक पद है, 4x प्लस y दिया द्विपदी हो गया, ठीक है, तो इसमें त्रिपदी। एक ऐसा बहुपदी व्यंजक जिसमें भिन्न भिन्न चरों का प्रयोग हुआ हो, भिन्न भिन्न कह सकते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न चरों का प्रयोग हुआ विजातीय व्यंजक कहलाता है, जिसमें 5x² प्लस 3y प्लस 7 वाला इसको मान सकते हैं। ये कैसा व्यंजक होगा? ये एक विजातीय व्यंजक होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे व्यंजक को क्या बोल देते हैं? विजातीय व्यंजक। आप इसके ये तो समझ गए, जब 4x है तो एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है, जिसमें एक से अधिक पद का उपयोग होता है, तो एक पदी तो एक पद है, इसमें 4x है खाली एक पद ही हो, इसमें दो पद है, इसमें तीन पद है, ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे। तो विजातीय ऐसा बहुपद जिसमें भिन्न भिन्न चर का यूज हो विजातीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 5x² देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, उसमें एक सजातीय में सभी में x हो या y हो, दूसरा ना हो, ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब बस इसमें यह रहता है कि सबसे ज़्यादा इसमें आपको जोड़ घटाना है, मतलब कुछ तो इसमें आप सूत्र भी लिख लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ सूत्रों को भी लिख लेंगे जो इसमें आपके यूज होते हैं। जैसे इसमें आपका यूज होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र, बीजगणित में बस, ठीक है। अभी सवाल भी कराएंगे जोड़ना घटाना व्यंजकों का, तो जोड़ घटाना व्यंजकों का पढ़ा दें, बता रहे भी, ठीक है, तो इसका सूत्र देख लेंगे, a² + b² + 2ab। ये 1, 2, 3 जो चार सूत्र हैं आप नोट कर लेंगे, इसके बाद सवाल कराएंगे। देखेंगे a - b का जब होता है, a - b का होल स्क्वायर, तब a² + b² और यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है, -2ab। यहाँ पर तो सम में प्लस रहता है, जब बीच में प्लस है, जब यहाँ पर माइनस होता है ये बीच में, तब यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर भी माइनस होता है, उसमें यहाँ पर माइनस नहीं होता, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। ये तो a + b का होल स्क्वायर सूत्र, a² + b² + 2ab सभी को पता है, a - b का होल स्क्वायर के a² + b² - 2ab, ठीक है। देखेंगे एक आपके में प्रयोग होता है a² - b², ठीक है, इसका उपयोग होता है। काफ़ी मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र तो यही है, उसमें होता है एक में a + b, ठीक है, अभी आपको गुणा करना भी सिखाएंगे, और a - b, ठीक है। यदि आपको इस तरफ का लिखा मिल जाए a + b a - b के रूप में, तब इस रूप में लिख सकते हैं a² - b², ठीक है। कभी कभी आपको मिल जाता है a + b के रूप में मिल जाता है सूत्र, कभी कभी a - b के रूप में लिखा होता है दो पद और गुणा में लिखे, तब इस वाले सूत्र का उपयोग होता है। इन तीन सूत्रों को तो आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है, लिखाने को लिखा सकते हैं q + bq वाला भी, तो उसमें आपका उपयोग होगा नहीं। तो इन तीन का तो आपसे रिलेटेड कभी कभी आपने देखा होगा, एक सवाल पूछा गया था कि 5 + x का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, करके एक बार परीक्षा में आया था, तो ऐसे में तो आपसे पूछ सकता है, एक दो सूत्रों से पूछता रहता है, तो इसमें आपको इन तीनों सूत्रों को लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके आपको पूछ देता है, तब कुछ नहीं करना रहता, इसमें यह वाला सूत्र लगाना रहता है, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाना रहता। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25 + x² और प्लस 5 × 2 = 10 और x, ठीक है, तो ये हो जाएगा। करेंगे यदि इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब a² + 5 का स्क्वायर प्लस b² x² ठीक है, प्लस 2 × 5 और ये वाला x, इसको a मान लेंगे प्लस इसको b मान लेंगे, ठीक है, ab, तो a² कर दिया, b² प्लस 2ab, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, प्लस x² प्लस वाला ये साइन, 2 × 5 = 10 और गुणे में x, तो 10x, तब ये आपको प्राप्त हो जाता है। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, x², ठीक है, ये वाला आगे करके पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी वाली घात, 10x, ठीक है, प्लस 25, ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को नोट कर लेंगे अभी, फिर आगे देखते हैं कि गुणा भाग कैसे करते हैं, जब एक ऐसे पद दिए जाते हैं, विजाती पद दिए जाते हैं, तो उनका गुणा करना सीखेंगे और जोड़ घटाना भी सीखेंगे इसमें, इसीलिए आपकी ये क्लास लगाई थी।
तो आपने नोट कर लिया, देखेंगे आगे तुरंत। परंतु तीन सूत्रों का उपयोग काफ़ी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये तो वैसे भी आपको मैथ में ये तीन सूत्र तो छोटे वाले तो आने भी चाहिए, आने तो वो भी चाहिए, लिखा तो वो देते लेकिन कहेंगे फिर कि यदि लिखना चाहते तो लिख सकते थे, ठीक है। आगे देखेंगे कि अब दो व्यंजक दिए जाएं आपको और उनको जोड़ना है, जोड़ करना है, ठीक है। व्यंजक दिए जाएं आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जैसे आपको दे दे 7x² + 6y + 7, आपसे कह दे इसको बंद कर दिया और प्लस का निशान लगा दिया, दे दिया x² + 3y + 2 का मान होगा। अब इसमें करेंगे, देखो सिंपल सा है, जिनको नहीं आता वो सीखेंगे ध्यान से, देखिएगा जिसकी, इसीलिए तो सजाती बढ़ाया था, जिसमें समान मतलब एक ही तरह के, ठीक है, जिसमें जिसमें चर केवल एक एक चर होता सजाती व्यंजक कहलाता, जिसमें चर मतलब एक ही चर। देखेंगे यहाँ पर एक्स चर है, और यदि बात करें 7x² लिखा है, ये लिखा है, तो यदि इसमें हम बात करें 7x, यदि हम इसमें पूछें x² का गुणांक, ठीक, ये इसकी बात और देख लीजिए, x² का गुणांक इसमें क्या होगा, बताएंगे कि x² का गुणांक 7x² लिखा है ये आपका, इसमें x² का गुणांक क्या होगा बताएंगे, जल्दी से लिखेंगे। आपको मैथ में मतलब हर चीज़ आनी चाहिए, बेसिक तो बिल्कुल आना चाहिए तभी उसको पकड़ पाएंगे। तो देखेंगे x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ x² का गुणांक क्या होगा, ये 7। x² का गुणांक कह सकते हैं आपका कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहते हैं y का गुणांक क्या होगा, यदि हम पूछते हैं y का गुणांक, इस वाले में पहले वाले में पूछ रहे, ठीक है ना, कि उसमें इसमें यदि बात करते इस वाले में x का गुणांक, तब कितना हो जाता है x का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। तब x² का गुणांक किसी का नहीं होता है, तो गुणांक एक का तो हमेशा होता ही है, तो इसमें गुणांक क्या होता, एक होता है, ठीक है। तो गुणांक से रिलेटेड भी समझ लेंगे, यदि इसमें जैसे x² इस वाले में कहा है, कह दे इसमें कि इसमें बताइए 7x² का गुणांक, मतलब 7x² लिखा ये वाला, इसमें कह देता x² का गुणांक, ये पूरे में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² कहीं और कहीं पर है नहीं, यहीं पर है केवल, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है, इसको भी ना भी लिखें तब भी, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना होगा, 7 होता है। y का गुणांक यदि पूछ लेते हैं यहाँ पर, y का गुणांक इसमें, इस वाले में y का गुणांक पूछते तो कितना हो जाता, y का गुणांक इसमें 6 हो जाता, ठीक है, इस वाले का पूछे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ के गुणांक निकालना भी जानते हैं कि x² का गुणांक 7 होता है, जैसे यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो गुणांक तो आपने समझ लिया। अब देखेंगे इसमें तुरंत आपको इसमें योग करना है, कुछ क्या करना है, आपको योग करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें योग के लिए आपको देखेंगे 7x² है, यहाँ पर x², सजाती देखेंगे और घात वाले सेम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे घात ये 2 है और यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स है। तो सबसे पहले सजाती वाले जो x² वाली ये वाले हैं, इनको एक तरफ लिख लेंगे 7x² + ये वाला x², ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये y वाले टर्म, y यहाँ पर है, y यहाँ पर, यहाँ पर 3 गुणांक है, यहाँ पर 6 गुणांक, ठीक है। तो लिख लेंगे प्लस करके आपको 3y आगे पीछे लिख लिया, लेकिन आपको समझाने के लिए एक तरफ से लिखें 6y, ठीक है, प्लस ये वाला 3y, आगे देखेंगे प्लस का निशान लगाएं। अब देखेंगे ये वाले टर्म जिनके साथ किसी भी गुणांक का उपयोग नहीं, मतलब अचर पद, ये वाले अचर पद देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको भी जोड़ देंगे 7 + 2, बिल्कुल सिंपल वे में समझाएं। देखेंगे 7x² और ये 1x², एक है यहाँ पर, बताया था कि x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7, तो 7 × 8x² जुड़ रहा है, ठीक है, 8x² हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस,
इसमें सिक्स वाई है, छः गुणांक है बाई का, यहाँ पर बाई का तीन गुणा, तो सिक्स है, सिक्स वाई प्लस थ्री वाई कितना हो जाएगा, नौ वाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सात ये अचर है और दो अचर कितना हो जाएगा, नौ। तो आपको क्या प्राप्त होगा, आठ एक्स स्क्वायर प्लस नौ वाई प्लस नौ, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई प्लस नाइन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, सजातीय पद x वाली एक तरफ, ये वाला x x वाले एक तरफ लिखेंगे, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई वाले छः वाई प्लस थ्री वाई, सिक्स वाई प्लस थ्री वाई, ये वाले सेवन और ये प्लस टू, ये दोनों अचर पद अलग लिख देंगे, ठीक है, नॉन वेरिएबल अलग, वेरिएबल अलग। तो इसमें बस समान घाती वाले एक तरफ, सजाती पद विजाती पद एक तरफ कर लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं, अब कर लेंगे, ठीक है। सिंपल करना तो जोड़ होता है, बस कुछ नहीं करना है, जोड़ ही तो करना होता है, सभी लोग कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे जोड़ने की तो हो गई बात, यदि बात घटाने की करते हैं, घटाना की, ठीक है, बात यदि घटाना की करें हम, तो जैसे कुछ भी दे दे आपको, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस, माइनस चलो प्लस का थ्री, आपको पहले प्लस से सिखाएं, ठीक है, प्लस थ्री में आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वाले पद को घटाना है, ठीक है, घटाना है कितना, आपको घटा देना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस दो, ठीक है, का मान बताओ, इसका मान बताना, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है, इसमें बीच में आपको घटाना करना है। आपको ऐसे कर सकते हैं, जो लोग ऐसे कर लेते हैं समान घात करके कर सकते हैं, यदि वैसे नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे जोड़ करते हैं देखेंगे, लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इसके बाद आपको देखते हैं, आपको यहाँ पर घटाना चिन्ह लगाना रहता है, जैसे घटाते हैं संख्याओं को घटाते हैं वैसे, देखेंगे आगे वाले में घटाने में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसके देखो फाइव एक्स नीचे टू एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे ये लिखेंगे, ठीक है, अचर के पद के नीचे, जिसके सामने जो घात है उसके नीचे उसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ यदि बाई नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर बाई यदि नहीं होता तो हम दूसरी तरफ लिखते, ठीक है, यदि बाई नहीं बाई होता उसको यदि बाई इसमें ऐड कर लेते तभी, अभी सिंपल सा दिया, ठीक है, एक्स के पदों में दिया, इसमें जोड़ना सीखेंगे, प्लस अभी आगे और देखें, प्लस प्लस कितना है, दो दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह लगाया गया, पहले जब आपको माइनस चिन्ह लगाया गया है तो जो प्लस का है वो माइनस को हो जाएगा, जो प्लस का है, जो प्लस का साइन दे रहा है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, आपको सिंपल भाषा में बताया, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, वह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस हो जाए, टू एक्स स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा, केवल एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर दिखा दे रहे, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस गुणे माइनस, माइनस चिन्ह का गुणा अंदर होगा तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बराबर, तो प्लस हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, सेवन एक्स, और देखेंगे ये माइनस का है, ये ऊपर प्लस का है, तीन में से दो चले जाएंगे, देखो जब माइनस चिन्ह लगा तो माइनस हो गया दो, तो कितना बचेगा, तीन में से दो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, तो इतना एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन आपको प्राप्त होगा, जो कि सजातीय है, ठीक है, एक ही जात के हैं सभी, सभी में एक्स चर का यूज हुआ, तो ऐसे व्यंजक को क्या कहते हैं, सजातीय व्यंजक भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जोड़ते हैं संख्याओं को वैसे जोड़ देते, टू एक्स स्क्वायर जिसके सामने है वही उसके सामने लिख लेंगे, जब माइनस चिन्ह लगाते हैं तो इसके अंदर वाली ये साइन बदल जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है, तो आप समझ लेंगे इसमें, आगे देखेंगे इसमें कुछ नहीं, टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक ही एक्स स्क्वायर तो बचेगा, यहाँ पर फाइव एक्स में से ये प्लस के हो गए, माइनस का था, जब माइनस चिन्ह घटा रहे थे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो फाइव एक्स प्लस टू एक्स सेवन एक्स, इसमें ये माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, तीन में से माइनस के दो चले गए, एक बचा, ठीक है, समझ गए होंगे आप, अभी एक और दे रहे उसमें भी समझेंगे और गुणा के बारे में देख लेंगे थोड़ा। यदि दे दे आपको सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई प्लस टू, आपको इसके बाद आपको घटाना है, ठीक है, घटाना है थ्री एक्स
स्क्वायर प्लस टू बाई माइनस वन। ठीक है, ये आपको का मान निकालना है, आपको क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, जैसा घटाना होता है घटाना का चिन्ह देखो, ये जो चिन्ह माइनस घटाना का चिन्ह लगा है, माइनस का साइन लगा है, जब इसका अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कराते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब माइनस चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर गुणा कराते हैं, जो साइन माइनस के होते हैं वो तो प्लस के हो जाते हैं, और जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। जब इस माइनस चिन्ह का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं साइन बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। तो देखेंगे 6x² है, इसमें 6x² प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, आपको क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, 3x² प्लस 2y, वाई के नीचे वाई और माइनस वन। देखेंगे जब इसका आप माइनस चिन्ह बाहर लगाए, बार में यहाँ पर भी लगा, माइनस घटा रहे हैं तो इसमें घट जाएगा। ठीक है, जो प्लस का है वो माइनस हो जाए, 6x² में से 3x चले गए, 6 में से 3 चले गए, क्योंकि गुणांक सेम है जब। ठीक है, x² यहाँ भी 6 में से 3 के लिए कितने बच गए, 3, और ये x² वाला गुणांक लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये माइनस चिन्ह लगा है, तो ये प्लस का है, तो प्लस का है, जब माइनस गुणे प्लस होता है तब क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, क्या हो जाता है, माइनस गुणे जब प्लस है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस के 3y और माइनस के 2y, तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, जब इसके गुणांक आप गुणांक सेम रहेंगे दोनों में, जोड़ो या घटा रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं होगा, संख्याओं को घटा लेंगे, 3 में से 2 गया, 1y बचा, प्लस प्लस करेंगे, कुछ भी करेंगे, अब ये माइनस चिन्ह था, ठीक है, ये माइनस चिन्ह, माइनस गुणे माइनस बराबर आपको पता है प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे समझ सकते हैं, साइन एकदम आपको बना दें, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2, 1, 3, आपका आंसर ये आएगा 3x² प्लस वाई प्लस 3, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जोड़ घटाने के बारे में आप समझ चुके हैं, यदि आप आपके पास कोई भी बुक है मैथ की सेमेस्टर की, तो उसमें आप तैयार देखेंगे क्वेश्चनों को कैसे कैसे दिया गया है, और क्वेश्चनों के घर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये घटाना से रिलेटेड हो गया, देख लेंगे, जिनके यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² था, समान वाले घात को समान घात से घटा देते। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, घटाना के घटाने के है, बस ये दो साइनों का उपयोग ध्यान रखना है, इन दो साइनों का आपको उपयोग ध्यान रखना है। आगे देखेंगे गुणा करना देखेंगे, आप ये बताएंगे, जैसे 4x लिखा है, ये 4x लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x ऐसे लिख सकते हैं, नंबर एक ऑप्शन ले लें, 4x को लिख सकते हैं, 4x बराबर हो सकता है। ठीक है, ये 4x लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर दो में यदि आप ऑप्शन ले, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4+x लिख सकते हैं। नंबर तीसरे की बात करेंगे, 4x लिख सकते हैं, और नंबर पाँच की बात करेंगे, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये देख लेंगे, अब आपको यहीं से हम गुणा सिखाएंगे। आपको दिया गया 4x बराबर क्या हो सकता है, x गुणे x हो सकता है, कि 4+x हो सकता है, कि 4x हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे, जब यदि आप x इसका गुणा कराएंगे आप, तो देखेंगे यहाँ पर भी गुणा में क्या होता है, सभी को पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब एक ही चीज़ मतलब एक चर है उसको गुणा कराते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं, जुड़ती हैं तब, लेकिन चर एक ही होने, वेरिएबल सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी x^1 है, यहाँ पर भी x^1, तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, सभी घातें जुड़ जाएंगी, यदि इसका प्राप्त करेंगे x^4, यहाँ पर कह रहा है कि 4x का बराबर बताइए। ठीक है, तो देखेंगे 4+x है, ये तो आपका 4+x, यहाँ पर देखिएगा ये अचर पद है और एक चर पद है, जब आपको एक अचर पद है और एक चर पद है, क्या अचर पद और चर पद जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, चर चर
और वो भी समान वाले चर जुड़ते हैं, ठीक है, समान जाति के लायक जो समान होते वही जुड़ते हैं, ठीक है। तो चार प्लस एक्स कोई मतलब नहीं, इसको चार ही प्लस एक्स से लिख सकते हैं क्योंकि अचर है और ये चर है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे चार गुणे एक्स, चार का गुणा एक्स में कराएंगे तो आप चार एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चार का गुणा एक्स, जब बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ पर गुणा का साइन लगा दो या किसी का भी साइन ना लगाओ तो चार एक्स लिख सकते हैं, तो आपका विकल्प नंबर तीन सही होगा, नन ऑफ दी फिर मतलब नहीं। तो समझ गए, गुणा का साइन जो बीच में किसी का साइन नहीं होता उसका बीच में गुणा का साइन होता है, और गुणा में पावर की मतलब यदि गुणा में एक ही चर है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स था, तो इसमें गुणा की पावर मतलब आधार आपका सेम है सभी में, ऐसे समझ लो आधार समान है जब, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सभी के आधार समान है, ऊपर एक एक पावर है, जब किसी की कोई पावर नहीं होती तब एक पावर तो होती ही है। तो यहाँ पर x पावर 4 प्राप्त हुआ, लेकिन 4x बराबर पूछ रहा था, ठीक है, 4x बराबर आप क्या लिख सकते थे, तो आपका विकल्प नंबर तीन सही हुआ, चार गुणे एक्स। तो गुणा के बारे में समझेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सभी को पता है, तो इसमें चार गुणे एक्स वाला सही होगा। आपको हम बताएंगे गुणा करते कैसे, तो आपको सिंबल समझने के लिए बताया था कि कैसे लिख सकते हैं। आपको यदि हम बताएं, देख दे दें जी एक्स प्लस वाई और लिख दिया ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इसका आपको गुणा कराना है, तो आप बताएंगे क्या मान आएगा, बताएंगे जल्दी से इसका क्या मान आएगा। एक्स प्लस वाई कोष्टक में एक्स माइनस वाई, काफ़ी बच्चे तो इसको देखते ही आंसर लगा देंगे, अब वो हम बता भी चुके हैं पहली, इससे पहले जब पढ़ा रहे थे उसमें हम बता चुके हैं, यदि बात उन्होंने समझ ली होगी तो एक बार में आंसर वो लगा देंगे, उनको पता चल गया कि इसमें पूछ क्या रहा है। दिख रहा है x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, बीच में गुणा का साइन लगा, ठीक है, कुछ बड़ा लिखें, ये लिखा x प्लस वाई और ये लिखा x माइनस वाई, ठीक है, इसके बराबर बताना। यहाँ पर देखेंगे एक तो सूत्र लग रहा है, यदि आपको डायरेक्ट सूत्र याद, कौन वाला a प्लस बी, ठीक है, कोष्टक में और a माइनस बी, ऐसे ही आप सूत्र को पकड़ना सीखेंगे। देखेंगे a प्लस बी x प्लस वाई है, फिर ब्रैकेट है मतलब बीच में गुणा का साइन है और x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसका आपको सूत्र पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट एक तो ये इसका होता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई दिया गया, तो ए की जगह क्या दिया है एक्स दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन लगाएंगे, लगा होता सूत्र में माइनस, और जो बी, बी की जगह क्या है यहाँ पर वाई है, तो क्या कर देंगे वाई का स्क्वायर, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि आपको इसमें गुणा करेंगे, यदि आप देखें इसमें गुणा के लिए, तो सबसे पहले देखेंगे इसका गुणा इस पूरे में करेंगे, क्या करेंगे, जो x ये है, ये x है, इसका गुणा इस वाले ब्रैकेट में पूरे में करेंगे, ठीक है, पूरे में करते हैं, मतलब इसमें भी होगा इसमें भी होगा, पहले x का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो देखेंगे पहले x का गुणा करेंगे तो x, x का गुणा x में होगा क्या हो जाएगा, x गुणे x, इस वाले के साथ करेंगे, लिख दें x गुणे x, इस वाले x का ये वाला माइनस साइन लगाया और इस x का बाई के साथ गुणा किया तो x गुणे बाई, ठीक है, इसके बाद ये वाला प्लस वाला साइन लगाया और बाई का गुणा x में करेंगे, बाई गुणे x, फिर बाई का गुणा इस वाले मतलब माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है, माइनस साइन लग गया, प्लस गुणे माइनस, माइनस ही होता है प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस और ये माइनस है, तो करेंगे पहले वाले बाई का बाई, ठीक है, प्लस वाई ले सकते हैं, गुणे में करेंगे तो माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस वाई। देखेंगे पहले वाले एक्स का गुणा पहले में कराया, फिर इस एक्स का गुणा वाई में कराया, मतलब एक एक्स का गुणा इसके पूरे में कराते, दोनों पक्षों में कराते, मतलब दोनों चरों में, चरमों कराते हैं, ठीक है, एक्स गुणा पहले चरम में कराया, एक्स गुणे एक्स, माइनस साइन लगाया ये वाला, फिर एक्स का गुणा वाई में कराया, एक्स गुणे वाई हुआ, प्लस का साइन लगाया ये वाला, वाई का गुणा एक्स में कराया, वाई का गुणा इसमें दोनों में कराएंगे, वाई का वाई गुणे एक्स, फिर वाई का गुणा वाई में कराया, माइनस साइन ये वाला, प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा तो माइनस बाई गुणे बाई हो जाएगा। देखें एक्स गुणे एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस एक्स बाई, एक्स गुणे बाई, दोनों अलग हैं, एक्स बाई ऐसे लिख जाएंगे सिर्फ, एक्स गुणे बाई, प्लस देखेंगे बाई एक्स है, ठीक है, बाई एक्स है, और देखेंगे यहाँ पर माइनस, ये माइनस चिन्ह है और ये बाई है, तो माइनस का बाई और बाई दोनों समान है, आधार समान है, एक एक पावर है,
क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस के एक्स वाई है और यहाँ पर प्लस के एक्स वाई है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपने देखा होगा 4 × 2 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, 2 × 4 = भी तो होता है वही, ठीक। ये काहे का नियम होता है, क्रम बिन्वे मतलब क्रम समान, मतलब इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर किया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, 4 × 2 = 8 होता है, ये 2 × 4 करें तब भी 8 होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा बाई गुणे एक्स लिखा है, या तो एक्स गुणे बाई मान लो या बाई गुणे एक्स मान लो। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस बाई स्क्वायर, तब भी ऐसा ही आंसर आएगा। यदि आपको डायरेक्ट सूत्र याद है तो वैसे करेंगे, नहीं तो एक एक चीज़ का गुणा, एक्स का गुणा इसमें पूरे में कराएंगे, एक्स का गुणा एक्स में भी होगा, फिर बाई में भी होगा, फिर बाई का गुणा एक्स में भी होगा और बाई में भी होगा, अलग अलग का गुणा दोनों पदों में, पहले एक्स का गुणा इन दोनों में कराएंगे, एक्स का गुणा फिर बाई का गुणा इन दोनों में कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, देखेंगे आगे भी देखेंगे ऐसे एक और, तब समझ में आएगा। तो डायरेक्ट सूत्र वाले जो कर सकते तो सूत्र से भी कर सकते थे, ठीक है, नोट करेंगे तो कर लेंगे एक सेकेंड में, और देखेंगे आगे गुणा के लिए। इन साइनों का जरूर, जैसे माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाता है, और प्लस गुणे माइनस किसी भी के साथ यदि माइनस चिन्ह आ जाता है, कोई भी साइन है और उसके मतलब प्लस है माइनस है, ये यदि इनका प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे, प्लस और माइनस का जब गुणा कराते हैं तब आपको माइनस ही प्राप्त होता है। आगे देखेंगे ऐसे आपको दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसके बाद आपको कह दे कि आपको बाई से गुणा कराना है, क्या करना है, जब किसी का साइन नहीं है बीच में तब बाई का गुणा कराना है, गुणा कराने का दें का मान होगा, ठीक है, देखेंगे इस बाई का गुणा दोनों में होगा, ठीक है, जब किसी का साइन नहीं तो गुणा का साइन होता, अब बाई का गुणा इसमें भी होगा, इस पद में भी होगा, ठीक है, जो बाहर होता है, जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसका गुणा दोनों में होता है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। बाई का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, समान तो है नहीं आधार, यहाँ पर एक्स है आधार, मतलब मान लें एक पावर मान लें इसकी, तो इसमें बाई आधार, जब आधार सेम नहीं होते तो कुछ घात में परिवर्तन होता नहीं, तो यहाँ पर बाई का गुणा जब एक्स में कराएंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा करा रहे एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, प्लस वाला ये वाला साइन लगाया इसमें तो हो गया बाई का गुणा, एक्स स्क्वायर बाई हो गया, अब प्लस का साइन लगाया ये वाला, अब बाई का गुणा इसमें कराया तो कितना होगा 3x/y, ठीक है, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 3x/y। देखेंगे बाई का गुणा इन दोनों में कराना, सबसे पहले बाई का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ कराएंगे, इसमें देखेंगे कि एक्स अलग है बाई अलग है, मतलब इनकी समान जात के नहीं, जाती नहीं समान, ठीक है, समझाती नहीं, इसमें एक्स है इसमें बाई है, तो ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर गुणे बाई कराए, जब किसी का साइन नहीं तो बाई गुणा का साइन होता ही है, प्लस का साइन लगाएंगे, 3x/y बाई में कराएंगे 3x/y, और यहाँ पर कुछ है तो आए नहीं, यहाँ पर आधार ये बाई है एक्स है, मतलब समान जात तो है नहीं, तो सेम लिख जाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3x/y। ऐसे गुणे आप कर सकते हैं, किसी भी संख्या का, संख्या भी दी जाए तब भी आप कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे आए आपको तब भी कर सकते हैं, आप कितना बड़ा भी दिया जाए 4x² + 3x, ठीक है, प्लस 2 गुणे में यदि कह दे आपको गुणा कराना है, किससे कराना है, सभी में 2 से यदि नहीं 2x से गुणा कराएं, 2x + y से गुणा करा, ये हो गया आपका बड़ा, इसी से समझ लेंगे। सबसे पहले आप करेंगे कि जो ये बड़ी वाली संख्या आपको दी गई है, और ये मतलब इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, तो आपको दो पदों का गुणा इसमें कराएंगे, पहले इस वाले पद का गुणा आप इस तीनों में कराएंगे, तो पहले 2 का गुणा इन तीनों में कराएंगे, ठीक है, लिखने को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 4x² + 3x + 2, इसमें काहे का गुणा करा रहे हैं, पहले वाले का इसमें बीच में गुणा साइन है, गुणा साइन नहीं भी होता ही है, तो ठीक 2x का गुणा करा रहे हैं, बाद में ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बाई ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इस पूरे में कराएंगे,
फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस दो, ऐसे करेंगे। टू एक्स का दो चौको आठ और एक एक्स पावर, यहाँ पर दोनों समान है, देखो आधार एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाएंगे। दो का गुणा चार में कराया आठ, यहाँ पर एक्स पावर एक है और एक्स पावर दो है, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाएंगी, आधार जब सेम है, जब आधार सेम है तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाते हैं, मतलब दोनों जाति के भी है, समान जाति के, एक्स यहाँ भी जात समान है, यहाँ पर भी जात समान है इसकी, तो एक्स पावर तीन हो जाएगी। अब टू एक्स का गुणा इसमें कराएंगे किस में, थ्री एक्स में कराएंगे, दो तीन छः और एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दो का गुणा तीन में कराया कितना होगा, छः एक्स प्लस दो का गुणा दो में कराया चार और ये वाला एक्स फोर एक्स, ठीक है प्लस। अब बाई का गुणा इसमें सभी में कराएंगे, देखेंगे बाई का साइन, इसमें कहीं बाई अंदर है नहीं, तो बाई एकदम सेम सेम लिखती चली जाएगी, ठीक है। तो कर देंगे फोर एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे थ्री एक्स और बाई गुणा हो गया, ठीक है, और प्लस टू बाई। अब देख लेंगे समान घात वाले हटा लेंगे, एक्स क्यूब किसी में है, तीन घात किसी में भी नहीं, ठीक है, तो इसको सेम ही लिख लेंगे आठ एक्स क्यूब, देखिए x और कहीं x है, देखो छः एक्स प्लस चार एक्स ये दिया गया आपको, ठीक है, यहाँ पर छः एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, द्वितीय छः एक्स किया यहाँ पर छः एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान रखेंगे दो का गुणा जब तीन में किया और ये x एक x ये वाला x ये वाला x, ठीक है, तो कितना होगा छः एक्स स्क्वायर, कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं तो लिख लेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, फोर एक्स और यहाँ पर कहीं भी है नहीं तो सब ऐसा ही रहेगा, ठीक है, आंसर यही आएगा, यही आंसर आएगा, कहीं समान तो कुछ है नहीं, ठीक है। आठ एक्स क्यूब प्लस छः एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई, ठीक, ये आंसर आएगा आपका। ये कितना भी बड़ा हो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पद से शुरू करना है, कम वाले से और दोनों का, देखो पहले टू एक्स का गुणा इन पूरे में करा दिया, फिर वाई का गुणा इस पूरे में करा दिया, बस इतना ध्यान रखना है ये इसका, ठीक है, इन पूरे में गुणा कराना है, गुणा ऐसे करा सकते हैं, ठीक है, समझ लिया होगा आपने। जब दो गुणे चार किया और एक्स एक्स ये था तो पावर तीन हो गई, तो दो चौको आठ, गुणांक का गुणांक कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर चार था, एक्स का गुणांक दो था, तो दो चौको आठ कर लिया, इसमें घात जुड़ गई, ऐसे करके दो तीन छः और एक एक्स ये एक एक्स ये एक्स स्क्वायर हो गया, दो दूनी चार और ये वाला एक एक्स फोर एक्स हो गया, ऐसे करके पूरे बाई में तो सभी समान थे नहीं, तो सभी ऐसे ही हो गए, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आपको जब सिंपल से पहले सिंपल से सीखने हैं, आपको ऐसे बताना है, देखेंगे इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फोर एक्स प्लस बाई गुणा करना है आपको, टू एक्स से गुणा कराना है, ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। आगे अभी आप बात करें, कभी कभी आप देखते हैं कि आपको दे देता है जैसे बाई बराबर दो, ठीक है, बराबर दो पर, और समीकरण दे देता है जैसे टू बाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई माइनस दो का मान, ऐसे करके भी पूछ देता है, ठीक है, तब तो आपको बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, बाई बराबर दो पर टू बाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई माइनस दो का मान बताना है, तो करेंगे सिंपल सा क्या हो जाएगा, बाई बराबर दो दिया गया है आपको, बाई बराबर दो दिया गया, जहां पर बाई वहां पर मान रख देंगे, तो देखेंगे दो बाई की जगह कितना दिया, बाई बराबर दो दिया गया, ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था, तो बाई की जगह दो गुणे बाई की जगह कितना दिया गया, दो दिया गया, तो दो का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, दो का स्क्वायर प्लस थ्री बाई की जगह कितना दिया गया, दो दिया गया, लिख लिया क्वेश्चन में, माइनस दो, दो का स्क्वायर करेंगे चार दूनी आठ, ठीक है, कितना हो जाएगा आठ, दो का स्क्वायर किया दो दूनी चार दूनी आठ प्लस दो गुणे तीन छः माइनस दो, छः में से दो जाएंगे कितना बचेगा चार, और आठ प्लस चार बराबर कितना हो जाएगा बारह, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं होता है, जिसमें आपको दिया जाता है और बाई बराबर यहाँ आपको निर्धारित कर दिया गया कि बाई बराबर आपको दो दिया गया है, तो टू बाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई माइनस टू का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर बाई है वहाँ पर दो रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक कर देंगे, यदि आपका कोई सुझाव है वो आप हमें सुझाव देंगे, ठीक है, और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं
ये और बताएंगे कि लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जय हिंद।